मायरा फैशन, स्वामी कॉम्प्लेक्स, अनवेगा मॉल, अजमेर। मैं 2-3 दिन पूना गया हुआ था, लगातार कोटा के और जोधपुर के, बीकानेर के समाचार मिल रहे थे। आज अजमेर के भी समाचार पढ़े जिसमें 7 शिशुओं की मौत की जानकारी थी, तो मुझे प्रिंसिपल साहब और सुप्रिंट साहब के साथ मैंने पूरा दौरा किया। निश्चित रूप से यहाँ जो बेसिक कमी है वह SCIU की जो स्पेशल केयर यूनिट है उसकी कमी लगी, क्यों यहाँ केवल 35 बच्चों की ही व्यवस्था है, जबकि राजस्थान के बाकी जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं या हॉस्पिटल्स हैं उन सब में अंदर मिनिमम 100 है, कहीं 100 है, कहीं 120 है, कहीं उससे भी ज़्यादा है। जयपुर तो इस समय से उस कारण से ज़्यादा ही, लेकिन यहाँ केवल 35 बच्चों का होना निश्चित रूप से एक कठिनाइयाँ खड़ी करता है। और दूसरा, यहाँ पर ओवरऑल भी बेड्स की जो समय समय पर, आज तो बेड जितने हैं उतने बच्चे हैं, लेकिन समय समय कई बार बच्चे ज़्यादा आ जाते हैं, उसके कारण से एक बेड पर 2 को भी सुलाने के लिए मजबूरी हो जाती है। अतः चिकित्सा मंत्री चूँकि हमारे ज़िले के हैं, अतः अपेक्षा करूँगा कि यहाँ स्पेशल केयर यूनिट में सीटें तुरंत बढ़ाकर करें। और बिल्डिंग चूँकि 2006-07 में एक भामाशाहों से, पार ब्रह्म वालों से बनवाई थी, लेकिन बाकी बिल्डिंग पुरानी है, लगभग ये बिल्डिंग 100 साल पुरानी है, इसलिए बिल्डिंग में भी कई जगह यहाँ पे सीलिंग की समस्या है, दूसरी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसे भी समाधान करने की आवश्यकता है, क्योंकि किसी भी एक नवजात की मृत्यु होना हम सबके लिए पीड़ादायक है, एक की भी न हो इसका प्रयत्न हो। इसलिए लगातार अजमेर में भी बच्चे जो हॉस्पिटल के प्रशासन है उनसे जानकारी जुटानी चाहिए, पर वो जानकारी दे नहीं रहे काफ़ी समय। नहीं, मैंने अभी जितनी जानकारी करने की कोशिश की उसमें जितने इक्विपमेंट हैं उसमें एक रूम हीटर्स को छोड़ करके बाकी सब लगभग वर्किंग में हैं, बाकी नहीं तो पिछले 2-3 दिन के अंदर करा दिए गए हैं, और उसमें ज़रूर 71 की जगह अभी 50 के आसपास वर्किंग में है, तो उन सबको भी तुरंत वर्किंग में लाने के लिए मैंने इनको निर्देश दिए हैं। मैं सोचता हूँ अजमेर में एक भी बच्चे की मृत्यु न हो, ये सब आप और हम सब की ड्यूटी बनती है। मैंने भी यहाँ प्रशासन को कहा है कि यहाँ पे पूरी केयर करें, कोई भी इंस्ट्रूमेंट खराब हो उसे तुरंत ठीक किया जाए, और कहीं भी किसी तरह की आवश्यकता हो तो हम जिन प्रतिनिधियों को कहें हम उस प्रतिनिधियों को हम उनको ठीक कराने में सहयोग भी करेंगे। और दूसरी प्रॉब्लम यहाँ जो आज मैंने देखने के लिए आया वह यहाँ पर इस नवजात शिशु को छोड़ करके डायलिसिस की प्रॉब्लम भी, सुबह मेरे पास कई लोगों ने फ़ोन किया कि साहब डायलिसिस नहीं हो रहा है, तो जिस कंपनी से इनका MOU हुआ था उसका तो ये कहना है कि मेरे 76 लाख रुपए बकाया हैं, इनका कहना है कि MOU के अंदर जो प्रावधान थे उसके अंतर्गत ये पैसे काट रहे थे, और उसके बाद वो कोर्ट में गया है। लेकिन ओवरऑल अजमेर के पेशेंट्स को परेशानी हो रही है, वह परेशानी न हो इसके लिए तत्काल मैं चिकित्सा मंत्री से भी मांग करता हूँ कि ताकि यहाँ पर डायलिसिस की व्यवस्था हो, जिस तरह बाकी हॉस्पिटल में गवर्नमेंट की ओर से डायलिसिस होता है, यहाँ केवल MOU के माध्यम से किया, और अभी 10 मशीनों से शुरुआत हुई थी, 4 वो पहले ही ले गया, अब 6 में से भी केवल 2 पे डायलिसिस हो रहा है, यहाँ की परेशानियाँ मरीजों की आ रही है। इसलिए मैं तत्काल मंत्री से भी बात करूँगा और मंत्री से भी आग्रह करूँगा कि यहाँ पर सीधे चाहे उसमें कितना भी पैसा खर्च आए, चाहे जनप्रतिनिधियों से सहयोग ले, लेकिन यहाँ पर डायलिसिस मशीनें गवर्नमेंट की ओर से हैं और उसके लिए जो स्टाफ हो उसको प्रोविज़न करें, और यहाँ जो कुछ स्टाफ की कमी है उसे भी तत्काल ठीक किया जाए, ताकि अजमेर के एक भी बच्चे को इससे महरूम न रहना पड़े और डायलिसिस से भी कोई इससे वंचित न रहे। मृत्यु दर आंकड़ों पे नहीं जानी चाहिए, एक भी बच्चे की मृत्यु होती है, एक भी माँ की कोख यदि शून्य होती है हम सबके लिए पीड़ादायक है, शर्मनाक है, हम उसको बचाने के लिए हर प्रकार की प्रयत्न हमको करने चाहिए। अभी जो कमियां सामने आई उसके क्या कारण हैं? उसमें कमियां मुझे जो ध्यान आया कि एक तो सरकार की उदासीनता, पिछले साल भर के अंदर यहाँ कोई विशेष इसके लिए कोई प्रयत्न नहीं हुए, और जबकि बिल्डिंग 100 साल पुरानी है इसके लिए भी कोई प्रोजेक्ट यहाँ से तैयार होकर के नहीं गया। इनका कहना है कि स्पेस की कमी है, अब स्पेस तो ढूंढना पड़ेगा, तो उस स्पेस में यहाँ के लिए निश्चित रूप से प्रपोजल जाए और उसे पूरा कराने में हम सब लोग प्रयत्न करेंगे, ताकि अजमेर की एक भी माँ की कोख सुनी नहीं हो और यहाँ किसी बाल बच्चे की मृत्यु न हो, ये सब हम लोगों की ड्यूटी बनती है। आप सब लोगों से भी आग्रह करूँगा कि ऐसे इश्यूज़ को हम सब लोग मिलकर के
यहाँ की जो कमियाँ हैं उसे भी उजागर करें। नहीं, कमियों के साथ साथ हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं वो चिकित्सा मंत्री के ध्यान में आप भी लाएं, मैं भी लाऊं और इन सुविधाओं को ठीक किया जाए। वैसे दबाने का तो बता रहे, ये तो कह रहे नहीं दबा रहे, मैंने इससे पूछा तो आप लोगों ने कहा कल और परसों में कुछ 7 बच्चों की इन्होंने मृत्यु मेरे को बताई है। नहीं, मीडिया से छुपाई जा रही है ना, ये तो ये बताएंगे मीडिया से। साधारणतः ऐसे इश्यूज़ मीडिया से छिपाना उचित नहीं है, क्यों, मीडिया भी ओवरऑल सहयोगी होता है और वह इनकी समस्या और बच्चों की समस्या है, जन की समस्या है, उसको उजागर करता है और वह गवर्नमेंट तक पहुंचती है, तो गवर्नमेंट भी उस ओर से एक अपनी परसेंस करें और हम जनप्रतिनिधि भी इसमें से हम इसको ठीक करने के लिए निर्देश भी देंगे, कहीं कमी होगी तो निश्चित रूप से एक्शन की भी बात करेंगे और कहीं सुविधाओं की कमी होगी तो उसमें भी हम पार्टिसिपेट सहभागी बनना चाहेंगे। अजमेर में बच्चों की ट्रेजेडी हुई थी जिस तरह कोटा में हुई थी, यदि 2 साल यहाँ भी नहीं होती। निश्चित रूप से ओवरऑल तो राजस्थान में सरकार इस समय, मैं बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल तो इस विषय को नहीं लेना चाहता, लेकिन सरकार इस समय संवेदनहीन है और कोटा में भी जिस तरह से बच्चों की हुई और जिस प्रकार से उत्तर हमारे चिकित्सा मंत्री और मुख्यमंत्री के आए, निश्चित पीड़ादायक हैं, उनको संवेदनहीन बनना चाहिए। और वर्तमान में तो जिस तरह से चिकित्सा मंत्री और PWD या उप मुख्यमंत्री के बीच में जो शब्दों का वार चला है वो हमारे लिए निश्चित रूप से एक चिंताजनक भी है, पीड़ादायक है और जनता के लिए एक तरह से कष्टदायी है कि इससे कोई समस्या काल नहीं दूंगा। चिकित्सा मंत्री PWD मंत्री भी डाल रहे हैं, PWD मंत्री चिकित्सा मंत्री डाल रहे हैं, लेकिन इन बच्चों की मृत्यु का कोई ना कोई तो जिम्मेदार है, जिम्मेदारी तय करके कार्रवाई की जानी चाहिए, इतना मेरा कहना है।